गुड आफ्टरनून बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो हमने उसमें पढ़ा था घरेलू उत्पादन क्या है, किस तरह से किण्वन होता है, किस तरह से चीजों को हम कौन कौन सी चीजों में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, है ना, और कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका नाम क्या है। लैक्टोबैसिलस मैंने आपको बताया, सूक्ष्म जीव जो हमारे खाने में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। तो ये सूक्ष्म जीव जो है इस तरह के जो है हमारे खाने में घरेलू उत्पादन में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनका द्वारा मांगा जाता है सूक्ष्म जीव। आज हम पढ़ेंगे इसमें बायोमास के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बायोगैस क्या है, एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है। कई सारी गैसें होती हैं जिसमें होती है, जो इम्पोर्टेंट है वो होती है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या है, मैंने बताया था आपको कल, CH4 मीथेन, ठीक है। तो जो मीथेन एक जो अम्ल है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है और इस तरह की जो गैसेस है इन सबसे मिलकर ये बायोगैस बनती है, ठीक है। तो आप नोट भी करते जाएंगे साथ साथ कि बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है, ठीक है। हमारा टॉपिक है आज का बायोगैस। ये उत्पादन में जो वृद्धि तथा उपापचय उपापचयन के, ऐसे देख सकते हैं आप, जो वृद्धि तथा उपापचयन के दौरान सूक्ष्म जीव विभिन्न विभिन्न किस्मों को, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव विभिन्न किस्मों को गैसीय उत्पादन या गैसीय उत्पाद में उत्पन्न करते हैं, जो गैसीय उत्पाद उत्पन्न करते हैं, जो गैसे उत्पन्न होती हैं, जो गैसे उत्पन्न होती हैं। फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन जैसे हम
पनीर निर्माण तथा पेयों के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सूत्र है इसका? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
मल यानी मल जो मल तो समझते हो आप है मल उनमें जिसमें समानता इनको क्या कहते हैं जिसे समानता गोबर कहते हैं ठीक है ना पशुओं का मल क्या यही होता है गंदगी जिसे समानता क्या कहते हैं गोबर यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं देख देंगे आप गोबर कहते हैं यह जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसका प्रयोग बायोगैस क्या होता है इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं हमारा जो टॉपिक है वो यही है गोबर गैस अब आपको समझ में आ जाए गोबर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सब मल कहते हैं मैल कहते हैं छी मैं तो नहीं छू सकती ऐसा होता है ना अधिकतर होता है जो गांव की है लेडीज वो भी ये सोचती है कि अरे जो काम कर रही है वो तो ठीक है जो शहर में आ गई और फिर वो सोचती है कैसे छू जाएगा लेकिन गोबर पवित्र है माना जाए मानते हैं कई सारी चीजें हैं पशुओं से संबंधित सारी बहुत सारी चीजें हैं गाय का मूत्र है जो हम औषधि के रूप में उसका प्रयोग करते हैं कई सारी चीजों में इनका प्रयोग किया जाता है हम तो हवन सामग्री में भी गोबर का इस्तेमाल करते हैं है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखिए जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं गोबर गैस तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया आप देखिए कि बायोगैस संयंत्र एक टैंक की तरह होता है ठीक है जो संयंत्र हमने बनाया है वो कैसा होता है टैंक की तरह होता है जिसमें अपशिष्ट संग्रहित जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की कर्दम भरी होती है स्त्री कहते हैं इसे और कर्दम के ऊपर एक ढक्कन रहता है ठीक है ना एक कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण या ऐसे कह सकते हैं सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है जिससे गैस बनने से ढक्कन ऊपर की ओर उठता है और बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है ठीक है बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है इस तरह का हमने टैंक बनाया है ठीक है ये इस तरह से गैस ठीक है निकल रही है निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है अब मैं आपको समझा देती हूँ ऐसे ही इसकी आपूर्ति की जाती है सभी देखेंगे एक तरफ तो इसमें क्या होता है बायोगैस की जब हम आपूर्ति करते हैं तो कदम से दूसरे निकास द्वार से बाहर निकल जाता है कदम से जो दूसरा निकास निकलने का द्वार ठीक है
तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। पूरा क्लियर? यस मैम। इसका टाइप भी आप बनाएंगे और इस पूरे टॉपिक को आप पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है? इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इस टॉपिक को पूरा तैयार करेंगे।